गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टिक। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त शासक वैश्य थे जो विष्णु के उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि ये कुषाण शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही जो है शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। महाधिराज का उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था। इस समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र उज्जैन था। इसी वंश के समय महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया। इस वंश का दरबारी भाषा संस्कृत था। इसी वंश में जो है बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुआ। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। पाड़ा का आविष्कार भी जो है इसी वंश के समय हुआ। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी। इस काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार तथा चांदी के रुपये को रुपयक कहा जाता था। इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ जिसे चतुर रंग कहा जाता था। हूनों का आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के समय हुआ था। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक भानुगुप्त था। इस वंश में कुमार गुप्त अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। उनका पुत्र समुद्रगुप्त था। इसे प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रमक तथा विस्तारवादी था, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के और राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्य को पराजित कर दिया और उनसे टैक्स यानी कर वसूली करना स्टार्ट किया। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की गई है। इसीलिए B.A. स्मथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पुस्तक में लिखा गया है। पुराण में भी कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने जो है नतमस्तक था। यह अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अश्वमेघ यज्ञ कर्ता का उपाधि धारण किया। यह विक्रमांक का उपाधि धारण किया था और इसे कविराज भी कहा जाता था। इसके समय बौद्ध भिक्षुक वसुबंधु को संरक्षण दिया गया था। इसको आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति
दे दिया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो इलाहाबाद है उससे मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख में जहांगीर शासक का वर्णन मिलता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक जो युद्ध एवं शांति के दूत हैं हरिसेन का है। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित पुस्तक की रचना की जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अगला शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रच के खुद के पति यानी रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से मिलती है। तो गुप्त वंश के अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय अब बनते हैं। इसने शकों का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसे शक विजेता भी कहा जाता है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। परम भगवत का उपाधि इसी शासक द्वारा धारण किया गया था। विक्रमादित्य का अर्थ होता है सूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं। इसने चांदी के सिक्के चलाया। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने न्याय का सिंहासन पत्थर का बनाया था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास जो संस्कृत के लेखक थे, अमरदास जो कवि है, वराहमिहिर खगोलविद, धन्वंतरी आयुर्वेद, ये सब दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान भारत आया था। इसने अपनी यात्रा विवरण फोक्यू की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है जो नालंदा में स्थित है। 1198 ईस्वी में ऐवक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सूरदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। इसकी अलग से एक जो है जूनागढ़ अभिलेख मिला है जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुंडों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के विनाश का प्रमुख कारण हूनों का आक्रमण था। हून आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बट गया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। अब गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था। यह 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। भू राजस्व को हक्य यानी नगद या मेय यानी अनाज के रूप में दिया जा सकता है। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी। देश की सर्वोच्च राजा होता था जो न्याय की भी जो है सर्वोच्च था।
शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामिक के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था जो वर्तमान में डीएम के पद पर था। फायान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता यानी छुआछूत थी। निम्न जाति के लोगों को चांडाल या अंतंग कहा जाता था। निम्न इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थी। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का भी जो है प्रचलन था। इस समय वैश्यावृत्ति भी थी। वैश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई, किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादी ने इसे बम से उड़ा दिया। सूरदर्शन झील का इतिहास। सूरदर्शन झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने निर्माण कराया। उस वक्त राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य था। उसके बाद अशोक इसका जीर्णोद्धार कराया और उस वक्त राज्यपाल तुषासप था। फिर से उसका जो है पुनर्जीर्णोद्धार रुद्रदामन करवाया और उस वक्त राज्यपाल सुविशाख था। फिर लास्ट में उसका पुनर्जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त करवाया और उस वक्त राज्यपाल पर्णदत्त था। अब हुन का क्षेत्र फारस यानी अभी के ईरान से अफगानिस्तान तक था। इसकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामान तथा मिहिर कुल दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। मिहिर कुल बौद्ध विरोधी तथा मूर्ति भंजक यानी मूर्ति को तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुनों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग हुआ है। जब हुन भारत पर आक्रमण किया उस समय गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त था। यह एक बर्बर एवं खानाबदोश थे। यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। हुन की दो शाखाएं थी, पश्चिमी तथा पूर्वी। भारत पर जिन हुन ने आक्रमण किया वह पूर्वी शाखा वाले थे। चीनी साहित्य में हुन को हुंगनू कहा जाता था। यह एक जाति समूह था जिसका